तो दोस्तों, अगर आप गूगल पे या जी पे का जो फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन फेलिंग से अगर आप परेशान हैं, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। हो सकता है इसके पहले भी बहुत सारे आप ट्रिक अब यूज़ किए हैं, लेकिन हर बार आपको सिर्फ फेलियर ही मिला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा है तो मेरे ये ट्रिक यूज़ करके आपको 100% सक्सेसफुल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप ही की तरह मैं भी बहुत प्रॉब्लम ये फेस किया था। और यूट्यूब में सर्च कर करके मैं परेशान हो गया था और कोई भी ट्रिक काम नहीं किया। फिर मैंने अपना ट्रिक यूज़ किया, अपना सोचा, दिमाग लड़ाया कि क्या हो सकता, नहीं हो सकता। ये 100% ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो चुका है। मैं चाहता हूँ ये सोल्यूशन मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप भी ये जो हेडेक लेके जो घूम रहे, इससे भी आपको मुक्ति मिल जाए। दोस्तों, अगर ये ट्रिक काम कर गया ना आपको मोबाइल में, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये ट्रिक अप्लाई करने के पहले कुछ बेसिक पॉइंट है जो गूगल से खुद प्रोवाइड किया जाता है, वो आपको करना ही पड़ेगा। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ वो क्या है। पहले ये है जो प्राइमरी, जो आपका जो अगर आप डुअल सिम कार्ड का मोबाइल यूज़ करते हैं, तो सिम वन में आपको वही सिम कार्ड लगाना है जिसमें आपका बैंक लिंक किया हुआ है। ठीक है, बैंक के साथ नंबर लिंक किया हुआ है, वही सिम वन में आपको लगाना है। पहला तो ये हो गया। जो सिम कार्ड आपका लिंक किया हुआ है वो एक्टिवेट होना चाहिए, उसमें पैसा होना चाहिए एटलीस्ट 20 रुपीज़ के ऊपर, क्योंकि वेरीफिकेशन के टाइम में कुछ अमाउंट उसमें लगता है, और टावर अच्छा खासा होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो गूगल पे के तरफ से है। अब मैं अपना ट्रिक में आता हूँ। इस ट्रिक में आपका फ़ोन फॉर्मेट नहीं होगा, इस ट्रिक में आपका कोई भी वाईफाई डेटा कुछ भी रिसेट नहीं होगा, बहुत आसान और सिंपल है। तो चलिए मैं सीधा आपको मैं अपने मोबाइल में लेकर चलता हूँ, वहीं पे आपको समझ में आएगा। और दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिए, एक एक पॉइंट आप नोट कीजिए, नहीं तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो लास्ट तक देखिए। तो चलिए मेरे मोबाइल में। दोस्तों, आपका जो एग्जिस्टिंग जीपे अकाउंट है, अगर आप फिर से उसमें साइन इन अगर नहीं कर पा रहे हैं, बार बार आपको दिखा रहा है नंबर वेरिफिकेशन फेल या ओटीपी नहीं आ रहा है, तो आपको ये ट्रिक यूज़ करना है। पहले क्या करना है, आपका जो भी एग्जिस्टिंग जीपे का जो ऐप है उसको आपको डिलीट कर देना है, चाहे वो आप कहीं से भी डाउनलोड किए हैं, चाहे वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हैं, या कोई एपीके फाइल इंस्टॉल करके आप उसको अपने मोबाइल में डाले हैं, तो उसको आपको पहले डिलीट कर देना है। जैसे मेरे यहाँ पर जीपे है, तो मैं इसको सीधा से यहाँ पर इसको अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से प्ले स्टोर से जीपे को डाउनलोड करना है। ठीक है, जीपे को आप यहां से फ्रेश करके यहां पे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन को ओपन मत कीजिएगा। फिर क्या करना है, आपका मोबाइल में सेटिंग्स में जाना है। हर एक मोबाइल में अलग अलग पैटर्न रहता है। तो मेरा यहां पे जैसे मैं सिर्फ अकाउंट्स लिख रहा हूं, आपको बेसिकली गूगल अकाउंट जो है वहाँ पर जाना है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अकाउंट लिखता हूँ, और जैसे एमआई मोबाइल में अकाउंट एंड सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप गूगल का अकाउंट देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको इस अकाउंट को रिमूव करना है। इसको अगर मैं कॉन्फर्मेशन अगर देता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अभी रिमूव करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पहले इसको रिमूव कर देना है। अब क्या करना है, देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी आप बहुत सारे इसके पहले वाला ट्रिक्स में मैंने देखा है कि फिर से साइन इन कर रहे नया करके, चाहे वो प्ले स्टोर से नहीं तो गूगल अकाउंट से, आपको वहाँ से कहीं से भी साइन इन नहीं करना है। ठीक है, जो आप फ्रेश डाउनलोड करके जीपे जो रखे थे, आपको उसको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद वहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देके साइन इन करना है। बस यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस करने के बाद ही आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। आपको फिर से बता रहा हूँ, जो तो फ्रेश करके आप जीपे डाउनलोड करके रखे हैं, उसके पहले आप अपना गूगल अकाउंट में कहीं से भी आप साइन इन मत हो जाइए। जैसे कि यूट्यूब हो गया, फिर आपका जीमेल हो गया, या प्ले स्टोर हुआ, कहीं से भी आप साइन इन मत कीजिए। आपको साइन इन करना है डायरेक्ट जीपे से। जीपे में आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी वहीं पे पुट करना है, और वहीं पे साइन इन करने से आपका जीपे का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और अदर्स जो भी अकाउंट है, यूट्यूब हो गया, फिर आपका गूगल अकाउंट हो गया, गूगल से रिलेटेड जो भी अकाउंट है, सब में अपने आप आपका साइन इन हो जाएगा। इतना ही करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। फ़ोन ना फॉर्मेट करना पड़ेगा, ना ही कुछ आपको रिसेट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा चीज़ है, आप करके देखिए, आपको ज़रूर सक्सेसफुल आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। किसी फ्रेंड को अगर हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर, एंड कीप वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर।